आपने बैंक में एफडी करा रखी है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उस एफडी के ऊपर आपको मिलता है इंटरेस्ट और उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स ना लगे, तो दोस्तों वीडियो में बताने जा रहा हूं तीन ऐसी ट्रिक कि आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा और इवन आपका कोई टीडीएस भी नहीं कटेगा। तो दोस्तों वीडियो में पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आशा करूंगा कि वीडियो के आप अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो गाइज आप अपना टैक्स जो है वो बचा नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइज चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले और आप उसे मिस ना करें। वीडियो में बताने जा रहा हूं पूरा डिटेल में कि आपने एफडी करा रखी है बैंक में और आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ रहा है या टीडीएस काट रहा है बैंक, तो उसको कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं कि क्या यहां पे कोई टीडीएस काटने की लिमिट डिफाइन है इनकम टैक्स लॉ में जो बैंक के लिए एप्लीकेबल है। बिल्कुल दोस्तों, तो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से बैंक जो है आपका 10% टीडीएस काटता है अगर एक इंडिविजुअल का टोटल जो इंटरेस्ट इनकम है एफडी से वो 40,000 से ज्यादा हो जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में, और यही लिमिट आपकी 50,000 रुपये हो जाती है सीनियर सिटीजन्स के लिए एक साल के अंदर। यानी कि सीनियर सिटीजन्स की जो लिमिट है वो 50,000 से ज्यादा का अगर इंटरेस्ट लेते हैं सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट एफडी के ऊपर, तो उस केस में बैंक उनका 10% टीडीएस काटता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका पैन यहां पे जो है अपडेट नहीं है बैंक में, तो उस केस में बैंक यहां पे रिस्पॉन्सिबल है कि आपका वो 20% टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कराएगा। इसलिए आप अपना हमेशा पैन अपडेट रखें अपने बैंक में ताकि आपका कम से कम टीडीएस कटे। वैसे मैं आपकी जान के लिए बता दूं दोस्तों कि जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट की इनकम होती है वो आपकी टैक्सेबल होती है अदर सोर्स में। सीनियर सिटीजन की अगर मैं बात करूं तो उनको यहां पे एक सेपरेट यहां पे डिडक्शन दे रखी है इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 80 TTB के हिसाब से कि वो 50,000 रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हैं एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है उसके लिए। अब बात करता हूं तीन ट्रिकों के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, तो वीडियो में बने रहना है एंड तक, वीडियो स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप कोई भी बैंक एफडी ओपन करा रहे हैं और आपकी दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि जो 2.5 लाख रुपए तक की टोटल इनकम की जो लिमिट है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से उससे आपकी इनकम कम है, तो आप जब एफडी ओपन कराएं उस टाइम पे बैंक को आप 15G और 15H फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों 15G और 15H फॉर्म क्या होता है, एक तरह से डिक्लेरेशन होती है कि भाई मेरी इनकम तो बिलो टैक्सेबल लिमिट है, यानी कि मेरी जो साल की इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, तो उस केस में मेरा जो टीडीएस है एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर वो ना काटा जाए, तो आप ये डिक्लेरेशन बैंक को देते हैं जिसके बेसिस पे बैंक आपका जो टीडीएस है वो नहीं काटेगा। 15G दोस्तों वो एप्लीकेबल है आपका इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी एज जो है 60 साल से कम है, और 15H आपका एप्लीकेबल है सीनियर सिटीजन्स के लिए यानी कि जिनकी एज 60 साल के बराबर या उससे ज्यादा है। अब बात करता हूं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी एफडीज को इस तरह से प्लान करें मल्टीपल बैंक्स में ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो 40,000 या 50,000 सीनियर सिटीजन केस में वो उसको एक्सीड ही ना करे, यानी कि जो लिमिट यहां पे है टीडीएस काटने की वो उससे कम रहे, वो उसे एक्सीड ना करे। तो आप क्या करें मल्टीपल बैंक्स के अंदर इस तरह से अपनी एफडीज कराएं ताकि आपका साल का जो इंटरेस्ट है वो 40,000 या 50,000 को क्रॉस ना करे। तीसरा जो बताने जा रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि आप क्या कर सकते हो अपनी हाउसवाइफ या फिर अपने जो पेरेंट्स हैं जो रिटायर्ड पेरेंट्स हैं उनके नाम पे भी एफडी करा सकते हो। आप क्या कर सकते हो उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो, और ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि आप एज अ गिफ्ट उनको ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट एनी लिमिट। आप अपने पेरेंट्स को अपनी वाइफ को जितना मर्जी चाहे गिफ्ट ट्रांसफर कर सकते हो बैंक के चैनल के थ्रू यानी कि बैंकिंग के थ्रू डिजिटल मोड से आप उनको कितना ही पैसा गिफ्ट कर सकते हो, और उस केसेस में क्या करो गिफ्ट डीड बना लो। जब आपकी गिफ्ट डीड बन जाएगी तो यहां पे क्या एक तरह से शो होगा कि भाई हमने पैसा जो है गिफ्ट कर दिया अपने पेरेंट्स को या अपनी वाइफ को, और उस बेसिस पे उनकी आप क्या करा दो एफडी करा दो, और जब उनकी एफडी हो जाएगी और ऑब्वियसली जब उनकी एफडी हो गई है तो उनकी तो वैसे ही बिलो एग्जम्पशन लिमिट से टैक्सेबल लिमिट से जो इनकम है वो वैसे ही कम है, तो उस केसेस में उनका कोई टीडीएस यहां पे नहीं कटेगा। और साथ ही दोस्तों अगर उनका कोई टीडीएस कट भी जाता है, लेट्स सपोज अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम हो जाती है 5 लाख तक भी हो जाती है, तो उस केस के अंदर आप उस जो टीडीएस आपका कटा है एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर उसको आप पूरा का पूरा रिफंड क्लेम कर सकते हो अपनी आईटीआर फाइल करके। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी है कुछ भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर रिप्लाई करेगी। और दोस्तों इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा,
इसे दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मेरे आप उसे मिस ना करें। थैंक यू।